हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉलीवुड क्रेज। और आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे शाहरुख खान, विजय सेतुपति, नयनतारा और एटली कुमार की अपकमिंग मूवी जवान को लेकर। फ्रेंड, जब से जवान मूवी अनाउंस हुई थी ऑलमोस्ट 2 ईयर्स हो गए उस टाइम को, अभी तक मेकर्स ने बड़ी होशियारी से सारा प्लॉट छुपा के रखा है, कुछ भी कॉन्टेंट बाहर जाने दिया कि असल जवान की स्टोरी क्या है। लेकिन अब जैसी इसकी रिलीज टाइम नज़दीक आ रही है, थोड़ा सा हमें हिंट मिला शाहरुख के करेक्टर का। बताया जा रहा है कि शाहरुख इसमें डबल रोल प्ले करेंगे, एक बाप का और एक बेटे का। जवान मूवी कहीं से भी अमिताभ बच्चन और कमाल हसन की मूवीज़ का रीमेक नहीं है, सिर्फ इंस्पिरेशन हो सकती है, वो भी शक है कि शायद इंस्पिरेशन भी ना हो, बिल्कुल नई स्टोरी, नया प्लॉट हो। जो अंदर से अपडेट्स आ रही हैं वो यही है कि जवान मूवी को बिल्कुल नए तर्ज पर बनाया गया है, बिल्कुल आज के ज़माने के मुताबिक बनाया गया, पुराने ज़माने के मुताबिक नहीं, जिसमें आपको एक्शन लेटेस्ट देखने को मिलेगा, ना कि बाकी रीमेक्स की तरह आप सेंसलेस बैठे रहेंगे कि मूवी में हो क्या रहा है। और शाहरुख के करेक्टर की और डिटेल सामने आ रही है, वो ये है कि दीपिका पादुकोण इसमें ना सिर्फ एक छोटा सा कैमियो करेंगे बल्कि उनका एक्सटेंडेड रोल है, क्योंकि एक करेक्टर जो बाप का है उसके ऑपोजिट दीपिका पादुकोण है, और दीपिका पादुकोण के साथ सीन्स भी हैं मूवी में और एक सॉन्ग भी है, और जो बेटे का करेक्टर है उसके साथ आपको ऑपोजिट नयनतारा दिखाई देंगी। इन बातों का काफ़ी खुलासा कल आने वाले टीज़र से हो जाएगा। जवान मूवी की जो स्टोरी का प्लॉट आ रहा है वो ये है कि इमोशनल रिवेंज होने वाला है इसमें, मतलब एक बाप के साथ कुछ ज्यादती होगी जिसका रिवेंज उसका बेटा लेगा, बाप भी अपने टाइम में शायद गैंगस्टर दिखाया जाए, यानी काफ़ी डिफरेंट अवतार्स आपको जवान मूवी में शाहरुख खान के देखने को मिलेंगे। बाकी जैसे ही 2 मई को इसका टीज़र आएगा और फिर 14 मई को ट्रेलर आएगा तो काफ़ी चीज़ें साफ हो जाएंगी। ऐसे में चलते आप जवान मूवी के लिए कितना एक्साइटेड हैं कमेंट सेक्शन में बता दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।